साथियों, यदि आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नहीं तो साथियों, हो सकता है आपका भी आने वाले दिनों में बेरोजगारी भत्ते को स्टॉप कर दिया जाएगा और आपके पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यहाँ बात करेंगे कि जो इस फरवरी में लगभग 1.5 लाख फॉर्मों को स्टॉप किया जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है और फॉर्मों को स्टॉप करने का सबसे प्रमुख कारण क्या है और किन किन कैंडिडेटों के फॉर्मों को स्टॉप किया जा रहा है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, एक भाई है रतनलाल, उसके फॉर्म को स्टॉप कर दिया गया है मात्र 23 साल की उम्र में। ठीक है, इसने मात्र महज 9 ही किस्त इसको प्राप्त हुई थी, यानी इसको 9 ही माह का भत्ता मिला था, लेकिन उसके बाद इसके फॉर्म को स्टॉप कर दिया गया था। इसका देखो रीजन क्या था, पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखो साथियों, कल से क्या है, जयपुर हेड ऑफिस है सभी 33 जिलों के पास इस प्रकार का मैसेज भेज रहा है और ये मैसेज लगभग 2 महीने पहले भी भेजा गया था और इसमें लिखा था कि भाई आपने, यदि आप इंटर्नशिप करने के इच्छुक हैं तो अपनी जो ऑनलाइन सहमति प्रदान करें। ठीक है, यानी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो अपनी अनुमति प्रदान करें कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ठीक है ना, तो जिन साथियों ने भाई ऑनलाइन तरीके से अपनी सहमति प्रदान कर दी थी तो उनका तो भत्ता बंद नहीं किया गया और जिन साथियों ने भाई अनुमति प्रदान नहीं की थी तो उनका क्या है, भत्ते को बंद कर दिया गया है। ठीक है ना, तो एक इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। देखो साथियों, ये रहा, इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि आपको 10 फरवरी तक अपना टेक्निकल कोर्स है उसको अपलोड करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इब काफ़ी साथी ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन स्वीकृति कैसे दें। देखो साथियों, जैसे आप अपनी SSO ID को ओपन करोगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, इसमें ऊपर लिखा हुआ है टेक्निकल कोर्स डिटेल, इसको जैसे अपन ओपन करोगे तो इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने जो भी कोर्स भर रखा है उस कोर्स का यहाँ नाम लिख देना। ठीक है ना, और कौन सी कॉलेज से किया है उस कॉलेज का नाम लिख देना। ठीक है, कोर्स की समाप्ति वर्ष कब आपने की है वो लिख देना और जो कोर्स, जो आपका सर्टिफिकेट है उसका जो डिप्लोमा है उसको यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है ना, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखना, सबसे ऊपर लिखा हुआ है क्या आप तकनीकी रूप से योग्य हैं, तो इसमें आपको यस करना पड़ेगा यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो। ठीक है, और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है दिनांक 1 जनवरी, इसको आप छोड़ो। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता जारी रखने पाने के लिए किसी भी सरकारी विभाग में प्रति कार्य दिवस 4 घंटे की इंटर्नशिप की जानी अनिवार्य है, क्या आप इसके लिए सहमत हैं, तो आपको इसमें यस करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी दोनों में यस करना है और फिर इसको आपको सबमिट कर देना है और आपकी जानकारी है वो आगे पहुँच जाएगी और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा साथियों और दूसरा कारण ये है कि यदि मान लो आप इंटर्नशिप करने के लिए नहीं जा रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट मिल चुका है, ठीक है, तो भी आपका बेरोजगारी भत्ता है वो बंद किया जाएगा। कहने का मतलब, आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलने के यदि आप 15 दिन के बाद जाते हैं तो आपके बेरोजगारी भत्ता को दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। तो जो आपका जयपुर हेड ऑफिस है वो आपको सूचित कर रहा है कि यदि आपने अभी भी कोई भी ऑनलाइन सहमति प्रदान नहीं की है तो आप 7 दिन के अंदर अपनी सहमति देवें, नहीं तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वो साथी ध्यान दें, जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। ठीक है, आपका भत्ता बंद नहीं होगा, जो लापरवाही करेगा, जो अपनी सहमति नहीं देगा, उन्हें का ही बंद कर दिया जाएगा इस फरवरी माह में। ठीक है ना, और ये लगभग हो सकता है 1.5 लाख कैंडिडेट इस लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप करने के इच्छुक क्या हैं, बहुत कम साथी हैं। आप सभी ने देखा होगा, जब लगभग 6 या 7 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी तो 1,60,000 में से मात्र 10,000 कैंडिडेट ही इंटर्नशिप करने के लिए गए थे। यानी काफ़ी मात्रा में जो फॉर्मों को क्या किया जाएगा साथियों, स्टॉप किया जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इंटर्नशिप।